ग्रोथ को बताते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कंपनीज़ हैं इस सेक्टर की, उन्होंने जिस तरह से अपनी कहना चाहिए कि वर्किंग को सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलने की जो एक नीति होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा गैप आ गया है। भारती का एग्जांपल लीजिए, इतने अच्छे परफॉर्मेंस है, इतनी अच्छी कंपनी है, 10 रुपये का शेयर 800 रुपये में बिकता है उसका, लेकिन उन्होंने अभी तक शेयर होल्डर को एक पैसे का भी डिविडेंड नहीं दिया है जी। तो देखिए, बाज़ार कहीं ना कहीं इन बातों को नोट करता है। अगर आज और निवेशक के पास तो सीमित पूंजी होती है, अगर आपके पास 800 रुपये हैं तो आप वहीं लगाएंगे 800 रुपये जहाँ पर रिटर्न आपको ज़्यादा आएगा। तो जब ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स प्राइस के अंदर कम हो जाते हैं क्योंकि मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर के पास सिर्फ कैश फ्लो जनरेट करने का एक ही साधन है, विच इज़ डिविडेंड। तो मुझे लगता है कि इन कंपनीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए शेयर होल्डर की तरफ, और अगर ऐसा होगा तो टेलीकॉम सेक्टर इज़ अ वेरी गुड सेक्टर टू स्टे इन्वेस्टेड इन। दिस ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट्स द इंडिया ग्रोथ स्टोरी, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेशक इसमें बने रहें, उनको ज़रूर लाभ होगा। लेकिन मेरे कंपनी से यही रिक्वेस्ट है कि उन शेयर होल्डर्स को जरूर रिवॉर्ड करें जो उनके साथ स्टे करते हैं इतने लंबे समय के लिए जी। और इस बीच न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है एक पर एक के बोनस को। इस काउंटर का अगर हम स्तर देखें पिछला बंद होने का, तो ये करीब 971 रुपये आ रहा है। तो यानी जो बोनस है एक पर एक, इसे हम आधा दाम लगा सकते हैं जब भी ये तारीख तय होगी। ये देखना होगा क्या तारीख तय होती है। इसके बाद चलिए बाकी खबरों वाले शेयरों पर नज़र डालते हैं, यानी वक्त है स्टॉक्स वॉच का।